ठीक है सर, जस्ट वेट। तो शुरू करते हैं। हाँ, जैसे कॉन्टिन्यूटी में थ्योरम बताया था वैसे ही हमारे पास थ्योरम इन डिफरेंसिबिलिटी भी है कि दो डिफरेंसिबल फंक्शन का प्लस माइनस होना डिफरेंसिबिलिटी को चेंज नहीं करता है। डिफरेंसिबिलिटी का इनटू, दो डिफरेंसिबल फंक्शन को इनटू करोगे तो वो डिफरेंसिबल होगा, और डिफरेंसिबल को तुम डिवाइड करोगे तो वो डिफरेंसिबल होगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर उस पॉइंट में जीरो ना हो। ठीक है, तो यही लॉजिक है कि तुम डायरेक्टली x इंटू साइन एक्स को जो डिफरेंसिबल कर देते हो, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात आता है उसके नीचे वाले में। किस वाले में? जब तुम डिफरेंसिबल प्लस नॉन डिफरेंसिबल कहते हो तो वो उस पॉइंट में नॉन डिफरेंसिबल होता है। मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3 डिफरेंसिबल होगा या नॉन डिफरेंसिबल होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंसिबल। और ये एट एक्स इक्वल टू 3 बोल रहा हूँ, कोई बोलेगा ये वाला डिफरेंशिएबल? तो नॉन डिफरेंशियल प्लस डिफरेंशियल हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या बोलोगे? एट एक्स इक्वल टू 3 नॉन डिफरेंशियल। नॉन डिफरेंशियल, तो इसका मतलब है कि अब तुम्हें, अगर मैं ऐसा समझूं तो ब्रेक करने का जरूरत नहीं है कि अगर मैं तुमसे कहीं पूछूं मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 3 इज नॉन डिफरेंशियल, कहाँ पे नॉन डिफरेंशियल होगा? ना तो ग्राफ बनाने का जरूरत है, डायरेक्टली बोल सकते हो कहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 देखना चाहिए। फिर आगे चलते हैं। आगे चलूं? यस सर। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल साइड में स्टार्टिंग में जाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद। तो ये क्या मैंने बताया, डिफरेंशियल चला गया, डिफरेंस प्लस नॉन डिफरेंशियल, ठीक है। तीसरा, डिफरेंशियल इनटू नॉन डिफरेंशियल। नॉन डिफरेंशियल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशियल। नॉन डिफरेंशियल इंटू नॉन डिफरेंशियल, और इंटू है तो डिवीजन भी होगा। कैन नॉट बी सेड डायरेक्टली। डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते, डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते हो। मतलब अगर मैं तुमसे y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स पूछूं तो क्या बोलोगे? क्या ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशियल होगा? ये नॉन डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 0। वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स पूछूं तो नॉन डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक नया फंक्शन कहता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, क्या ये डिफरेंशियल होगा? डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, कॉन्टिन्यूस है, मुझे मालूम है, इसीलिए एफ ऑफ एक्स को मॉड है तो ये तो कॉन्टिन्यूटी में कहाँ प्रॉब्लम होगा। अगर एक्स लेस देन 0 मिला तो सब नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन एक्स क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। एक्स पॉजिटिव होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो साइन एक्स प्लस एक्स कॉन्टिन्यूस है। एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हुआ? माइनस कॉस एक्स माइनस वन अगर एक्स लेस देन जीरो, और ये कॉस एक्स प्लस वन अगर एक्स जीरो से बड़ा। तो अब मुझे बोलोगे यहाँ से बोलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है अगर डालोगे तो, जीरो डालोगे तो -2 -1 -2, और यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है 2 + 2। तो क्या बोलोगे फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। और यहीं पे एक फंक्शन नया लेता हूँ जी ऑफ एक्स, माइनस कर देता हूँ साइन एक्स माइनस मॉड एक्स। तब जब तुम एक्स लेस देन जीरो लोगे तो ये माइनस साइन एक्स प्लस एक्स होगा, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो लोगे तो ये साइन एक्स माइनस एक्स होगा। कॉन्टिन्यूस तो है ही, तो इसलिए मैं डायरेक्टली जी डैश एक्स कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिन्यूस है ये जानना। हाँ, माइनस कॉस एक्स प्लस वन अगर एक्स लेस देन जीरो, कॉस एक्स माइनस वन अगर एक्स जीरो से बड़ा। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 + 1 जीरो, यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो -1 + 1 जीरो, दोनों सेम आया। तो क्या बोलोगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तुमने क्या देखा, दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल है, मगर इनको जब मैं सम कर रहा हूँ तो सम जो मुझे मिला वो क्या मिला, नॉन डिफरेंशिएबल। और यही चीज को जब मैंने डिफरेंस में लेके आ गया तो ये क्या मिला, डिफरेंशिएबल। तो इसलिए नथिंग कैन बी सेड, ठीक है। अगर मैं डिफरेंस में लेके आ गया हूं तो ये डिफरेंशिएबल हो रहा है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते हो, किसी को ये लिखना है तो लिख लो, फिर नीचे वाला लिख लेते हैं। काम करते हैं इसे नीचे ही लेके चले जाते हैं थोड़ा सा, और फिर ऐसे कर देते हैं। तो लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलो, 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ, कहीं भी डाउट है तो बोलो। आगे चलूं, नीचे बाकी है। Recording in progress. निकलूं आगे? Yes sir. Just. अब एक चीज याद रखो, कॉन्टिन्यूटी में भी मैंने बताया था और दोबारा तुमसे पूछ रहा हूँ कि रैशनल इनटू इरैशनल क्या होता है। इरैशनल फिर से तुम लोगों ने गलत बोला, बोल नहीं सकते, डिपेंड करता है। हाँ, क्योंकि ये याद रखो डिपेंड अपॉन किसके ऊपर, रैशनल। क्यों, अगर रैशनल जीरो हो गया तो रैशनल नंबर ये तुम्हें याद रखना है। अरे यही तो तुम्हें मोटिवेट करेगा उसके लिए, तो ये रैशनल हो जाता है। मगर भाई अगर रैशनल नॉन जीरो हो गया तो इरैशनल हो गया। ठीक है, तो मेरा कहना है बस यही याद रखना है, ये याद रखना है। तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी सबका थोड़ी खेला खत्म। तो हम प्रूव कर सकते हैं, मगर शॉर्टकट मेथड है, इसलिए मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूं। हम चाहे तो इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। जब मैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिखता हूं मॉड एक्स, तो तुम जानते हो तुम इसका रूट निकालते हो। इसका रूट x इक्वल टू 0 और ये केवल एक ही बार आया। अगर ये एक ही बार आया तो तुम बोलोगे एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंसेबल एट x इक्वल टू 0। मगर अगर मैं तुम्हें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर मॉड एक्स दूं, तब मुझे बोलोगे रूट कितने बार आ रहा है? 0। मगर ये 2 बार दे रहा है, तो 3 जरूरी नहीं है, रिपीटेड रूट है। हाँ, रिपीटेड रूट है। अगर रिपीटेड रूट मिला तो फंक्शन डिफरेंसेबल एट एक्स इक्वल टू 0। तुम बोलोगे सर बड़ा अजीब बात है। अरे कोई अजीब बात नहीं है, शॉर्टकट मेथड लगा के देख लो ना, समझ में आ जाएगा क्यों होता है। क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करने से क्या होता है, जब तुम माइनस एक्स क्यूब लिखते हो तो एक्स लेस देन 0, और एक्स क्यूब अगर एक्स ग्रेटर देन 0, तो जब तुम एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्स गायब नहीं होगा, क्योंकि वो रिपीट कर रहा है। और अगर वो गायब नहीं होगा, मैंने कहा था प्रूफ नहीं दूंगा तो क्यों दूं? हाँ, क्योंकि वो गायब नहीं होगा, तो इसलिए एक्स रह जाता है। इसका मतलब है अगर मैं तुम्हें कभी एच ऑफ एक्स बोलूं, एक्स माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, तो बोलोगे क्या एक्स इक्वल टू 1 में ये डिफरेंसेबल होगा या नॉन डिफरेंसेबल होगा? डिफरेंशिएबल। क्यों, क्या रीजन है? x इक्वल टू 1 क्या कर रहा है? रिपीटेड रूट्स। कह रहा हूँ इवन नहीं रे, वेवी कर्व नहीं है, रिपीट कर रहा है, इससे तुम बोलोगे डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। मगर 2 में नॉन डिफरेंशिएबल। तो तुम्हें समझ में आ गया। मतलब अगर मैं कभी तुम्हें g ऑफ x का बोलूं mod x into sin x, तो रिपीटेड रूट, क्योंकि मैं जानता हूं कि साइन एक्स भी क्या होगा, 0 एट एक्स इक्वल टू 0। तो 0 कितने बार आ रहा है? रिपीट कर रहा है, तो क्या बोलोगे, डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। मॉड साइन एक्स इनटू एक्स, अब मॉड साइन एक्स तो बहुत जगह 0 होगा। जब एक्स 0 होता है, जब प्लस माइनस पाई होता है, जब प्लस माइनस 2 पाई होता है, मगर एक्स केवल कहाँ पे 0 होगा, या एक्स इंटू एक्स माइनस पाई केवल कहाँ पे 0 होगा? एक्स इक्वल टू 0 और पाई। तो मुझे बोलो ये पूरा फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंसेबल होगा? इसका मतलब 0 और पाई में, पाई प्लस माइनस लिख रहा हूँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पाई का एक पार्ट लेगा, वो रिपीट कर रहा है, तो इसलिए फंक्शन डिफरेंसेबल हो जाएगा कहाँ पे, 0 में और पाई में। और नॉन डिफरेंसेबल कहाँ होगा? -5 उसके बाद फिर +-2π +-3π। मेरे ख्याल में थोड़ी समझ में आया। किसी को भी डाउट है तो पूछो, नहीं है तो सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। चलूं आगे? यस सर। Consider f of x is equal to x square sin 1 by x. If x is not equal to 0, and 0 if x equal to 0, then option number A, multiple choice correct, f dash 0 exists. F dash x is continuous at x is equal to 0. F dash x is discontinuous at x equal to 0. F double dash 0 x सब एक बार लिख लोगे। आगे चलूं? हाँ सर। यस। तो पहले f डैश 0 का बात आता है, तो ठीक है। तो f डैश 0 के लिए तो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करना होगा। कॉन्टिन्यूटी ऑफ f ऑफ x चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0। तो क्या होना पड़ेगा? लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू सेम होना पड़ेगा। एफ ऑफ जीरो का तो वैल्यू मुझे जीरो मालूम है, लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स। क्या फॉर्म हो गया? कोई बोलेगा? ऑसिलेशन फाइनाइट, फाइनाइट होना जरूरी है जीरो। तो हेंस मैंने क्या देखा? एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स। तो हेंस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो पहला वाला हो गया। अब एफ डैश जीरो का डेफिनेशन देखते हैं। तब एफ डैश जीरो का डेफिनेशन क्या था? लिमिट, ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो। तो बोलेगे सर ये लास्ट क्लास ही आपने कराया था, बड़ा बोर कर रहे हो। नहीं, मुझे ये सम एक बार कराना है क्योंकि ये सम में डाउट बहुत आता है। तो ये जब लिखोगे तो जीरो इंटू, ये भी वही हो गया ऑसिलेशन फाइनाइट जीरो। इसका मतलब है एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करेगा। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस है या नहीं, इस लैंग्वेज कैसे चेक करोगे? मैं अब उसमें इंटरेस्टेड हूँ रे। अगर मैं तुम कैसे चेक करोगे जरा सोचो। तू चेक करना है क्या एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो है। ऊपर मैंने कुछ लिखा था, देखो। जब कॉन्टिन्यूटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो तुमने देखा, तो तुमने देखा एफ ऑफ जीरो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं था। उससे मुझे बोल पाओगे कि एफ डैश एक्स का कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करोगे? कोई मुझे बोलेगा? मतलब क्या देखोगे? क्या देखोगे? एफ, हाँ क्या देखोगे? एकदम मैं कॉपी करने ही बोल रहा हूँ। क्या क्या देखो? लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शन। लिमिटिंग किसका? एफ ऑफ एक्स का या एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स का। मतलब तुम्हें ये देखना होगा कि क्या एफ डैश जीरो इज सेम एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ डैश एक्स। ठीक है, मगर एक्स तो जीरो नहीं है, तब तो तुम्हें एफ डैश एक्स निकालना होगा ना इसका, क्योंकि तुम्हें तो एफ ऑफ एक्स पता है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? चेन रूल, सॉरी यू भी लगेगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन ट्वाइस एक्स साइन वन बाय एक्स, एक्स स्क्वायर साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस वन बाय एक्स, साथ में माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ट्वाइस एक्स साइन वन बाय एक्स माइनस कॉस वन बाय एक्स। एक्स अगर जीरो की ओर जाएगा, ये किसकी ओर जाएगा? ये दो चीज, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक पीला वाला और एक नीला वाला। पीले वाले में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये क्या हो रहा है? जीरो। और ये क्या करेगा? ऑसिलेटिंग ऑसिलेटर फाइनाइट, तो ये तो इसे जीरो बना देगा, मगर यहाँ पे केवल क्या हो रहा है, अगर मैं तुमसे कभी पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन 1/x, तो क्या बोलोगे, ये एग्जिस्ट करेगा या डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये तो साइन प्लस माइनस इंफिनिटी हो गया ना, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये केवल क्या करता है, ओनली ऑसिलेट। केवल ऑसिलेट करने से नहीं होगा, ऑसिलेट को किसी किसी चीज से मल्टीप्लाई करना था, किससे मल्टीप्लाई करना था, जीरो के साथ, जीरो से, अगर यहाँ पे वो जीरो गायब है, तो अगर यहाँ पे वो जीरो गायब है तो क्या बोलोगे, ये एग्जिस्ट करेगा या डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, तो खेला ही खत्म हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट करेगा रे, तो क्या एफ डैश एक्स कंटीन्यूअस होगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट अगर हो गया, तो तुम डायरेक्टली बोलोगे कि एफ डैश एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस एट जीरो। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, डिफरेंसेबल है, देखो एफ ऑफ एक्स डिफरेंसेबल है, मगर एफ डैश एक्स डिसकंटीन्यूअस हो गया, अगर एफ डैश एक्स डिसकंटीन्यूअस हो गया तो एफ डबल डैश जीरो एग्जिस्ट करेगा क्या, नो सर, एफ डबल डैश जीरो को एग्जिस्ट करने के लिए तो एफ डैश एक्स का कंटिन्यूटी जरूरी था, तो ये भी डायरेक्टली डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन तुम्हारे पास होगा सी और डी। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलो, सम तो लिख ही लिया होगा मेरे ख्याल में, ये वाले को ध्यान से लिखो। सर ऑप्शन डी तो नहीं होगा ना सर, ऑप्शन डी फॉल्स। हाँ बोलो, रुका मैं बाहर निकल गया था, क्या बोलो सर, ऑप्शन डी तो नहीं होगा ना, ओ एफ डैश जीरो एग्जिस्ट है क्या, सॉरी नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट सर, ए और सी होगा, ए और सी होगा। चलो आगे, टाइमर देना भूल गया था, बोल देना। यस सर, यस सर, यस सर, हाँ सर। अब कभी कभी थोड़ा अलग ब्रांचिंग पॉइंट होता है, सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 है, अगर एक्स इज रैशनल -1, अगर एक्स इज इरैशनल, रैशनल में कई बार एक्स बिलोंग्स टू क्यू ऐसा दिखेगा और x does not belongs to Q, मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है। तो मैं तुम्हें बोल दूंगा कि चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो, मगर मैं जीरो में कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करना चाहता हूं, मैं लिमिट पहले चेक करूंगा, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू अगर मैं निकालने के लिए बोलूं तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स में तुम एफ ऑफ एक्स का क्या वैल्यू डालोगे, 1 या -1, या ये गलत है ये बोलना, कहना गलत है क्योंकि नहीं बोल पाओगे ना, चुप हो रहे हो। क्यों चुप हो रहे हो? सुनने में आ रहा है? यस सर, यस सर। तो बोलो ना, एक्स लैंडिंग टू जीरो, एफ(x) क्या पाओगे? 1 लिखोगे या -1 लिखोगे? ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्वेश्चन ने पूछा तुमसे। ये डिपेंड करेगा कि तुम जीरो की ओर कैसे जा रहे हो, क्योंकि यहाँ का ब्रांचिंग थोड़ा अलग हो गया है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अच्छा अगर तुम लोग ने यहाँ पे आंसर नहीं दिया तो यहाँ पे दो दोगे f(1/10) क्या होगा? अब यहाँ पे तो आंसर दोगे, यहाँ पे भी नहीं दोगे। f(1/10) क्या होगा? f(1/100) क्या होगा? 1 और f(1/1000) क्या होगा? ये जो आर्गुमेंट है वो किसकी ओर जा रहा है? जीरो। मगर कैसे जा रहा है? f(1/√/2) क्या होगा? -1। f(1/10√2) क्या होगा? -1। f(100√2) क्या होगा? -1। ये आर्गुमेंट किसकी ओर जा रहा है? समझ में आ ही रहा है क्या हो रहा है? ये किसकी ओर जा रहा है? जीरो की ओर। मगर कैसे जा रहा है? बोलो। बाय इरेशनल। तो इसका मतलब है तुम जीरो की ओर दो तरीके से जा सकते हो। कैसे? रैशनल से भी और इरेशनल से भी। मगर रैशनल से जो लिमिट आएगा वो क्या आएगा? 1। इरेशनल से जो लिमिट आएगा वो क्या आएगा? -1। मगर लिमिट का मतलब क्या था? तुम जैसे भी जाओ वैल्यू तुम्हारा सेम होना चाहिए, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मगर उसको हम ऐसा नहीं लिखते। हम कैसा लिखते हैं? हम ऐसा लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अगर मैं रैशनल से जाऊं तो क्या वैल्यू लेगा ये? 1 f(x). तो अगर मैं रैशनल से जाऊं तो ये वैल्यू 1 होगा, तो इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे तुम बोलोगे सर 0+ और 0- क्यों नहीं लिया? वही तो सोचो ना, वही तो मैं बोल रहा था कि तुम लोग में से कोई मुझे बोले कि 0+ 0- 99.9% इसलिए लिया जाता है क्योंकि दिया रहता है कि लेस देन 0 में अलग वैल्यू ले रहा है, ग्रेटर देन 0 में अलग वैल्यू ले रहा है। यहाँ का जो ब्रांचिंग पॉइंट है वो 0+ 0- है या रैशनल इरेशनल है? ब्रांचिंग भी वही होगा ना, रैशनल और इरेशनल। तुम एक बार तुम्हारा पाथ रैशनल वाला लोगे, एक बार इरेशनल वाला लोगे। मगर यहाँ पे वैल्यू क्या आ जा रहा है f(x) का? -1। क्या दोनों सेम है? नो सर। लिमिट अगर डज नॉट एग्जिस्ट हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं, वेट अ मिनट, मैं लिखने का टाइम दूंगा। f(x) का वैल्यू मैं दे रहा हूं x, if x is rational, 0 if x is irrational। अब तुम्हें क्या लग रहा है at x = 0 क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? इज f(x) इज कंटिन्यूअस? क्या बोलोगे? यस सर, यस सर। मतलब क्योंकि 0 में दोनों वैल्यू सेम हो रहा है। देखो, नहीं देखोगे? देखो ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 मैं कर रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अगर मैं बाय रैशनल लूं तो ये क्या पाथ देगा? तब f(x) क्या वैल्यू लेगा? रैशनल बाय रैशनल x। और x का वैल्यू क्या हो गया? 0। मगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 बाय इरेशनल बोलूं तो 0, डायरेक्टली 0। दोनों क्या आया? सेम। तो क्या बोलोगे? f(x) इज कंटिन्यूअस। 0 ही होगा। f(x) इज कंटिन्यूअस। अच्छा, 1 में कंटिन्यूअस होगा क्या? 1 में क्या बोलते हो? 1 में नो सर। क्या रीजन है सर? वो वाला किसकी ओर जाएगा? x किसकी ओर चली जाएगा? 1 की ओर। 1। तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 होगा। तो पता ही चला 1 में डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसे सब में कई बार तुम देख के भी बोल सकते हो कि हाँ ये कहाँ कंटिन्यूअस होगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, f(x) = x² - 3 इफ x बिलोंग्स टू रैशनल, और किसी को डाउट है तो बोलेगा रे x बिलोंग्स टू इरेशनल। कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा दिस फंक्शन? केवल दो ही जगह में कंटिन्यूअस होगा, +-2 तो x का वैल्यू +-2। केवल यही दो पॉइंट में कंटिन्यूअस होगा और हर जगह ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है? क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू सेम होता है। तो अगर काफी कुछ लिखवा दिया है तो लिखना है तो लिखो तुम लोग आराम से, ठीक है? टेक योर टाइम। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इससे थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। चलो आगे। यस सर। सर थोड़ा रुकिए। रुकिए सर। तो मैं आ रहा हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ। आगे चलूं? यस सर। चलो तो अगर अब मैं तुमसे ये पूछूं बोलोगे? मतलब क्या क्या करूंगा आप मुझे जरा बोलो तो क्या करूंगा? सर इक्वेट, सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 करके दोनों इक्वेट, फिर एक्सटेंडिंग टू 2। हाँ तो वही, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि 1 और 2 में इसका मतलब क्या हुआ? 1 एंड 2 में बोथ ब्रांचेस मस्ट बी क्या? इक्वल। इक्वल नहीं, मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। तो तेरा खत्म हो गया। एक्स इक्वल टू 1 में तब ये दोनों ब्रांच जो होगा, ये ब्रांच और ये ब्रांच क्या देगा? देगा एक रैशनल वाला ब्रांच देगा, एक इरेशनल वाला ब्रांच। ये देगा पी प्लस 2 प्लस क्यू इज इक्वल टू 2। और अगर एक्स इज इक्वल टू 2 दोगे तो 2 to the 4p प्लस 4। समझ में आ ही रहा होगा। 2 5 दोनों को सॉल्व करके क्या करोगे? पी का वैल्यू निकाल लो। क्यू का किसी को लिखना है तो लिख लो फिर आगे। आगे चलूं? यस सर। यस सर। देयर आर सम फैक्ट्स जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे उस बैच में मैं ये करना भूल गया, ये उन लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, तुम लोग को आज ही करवा देता हूँ। फैक्ट ए प्लस बी प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी अगर तुम्हें कभी भी मिले, ए प्लस बी प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये हर समय 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम ऑफ ए और बी होता है। देखो दो चीज होगा, या तो तुम्हें ये चीज याद रहना होगा या तो तुम्हें एग्जामिनेशन में ये चीज डिराइव करना होगा। अगर तुम इसका वैल्यू निकालना चाहो, अगर ए बी से बड़ा है तब बोलोगे क्या होगा, ये ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा बोलो, अगर ए बी से बड़ा है तो मैक्सिमम कौन सा होगा, तब यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ ए बी क्या है ए। वैसे ही अगर ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी है मगर अगर ए बी से छोटा है तब क्या होगा, ये ए प्लस बी माइनस ए कैंसिल हो गया तो ट्वाइस बी। ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, तो हो सकता है कि तुम कभी भूल जाओ हाँ कि यहाँ पे प्लस के बदले मैं माइनस दे दूंगा, ठीक है, या यहाँ पे मैं प्लस के बदले यहाँ पे माइनस दे दूंगा, या हो सकता है कि कभी तुम्हें ऐसा मिल जाए ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, सर इसका तो फॉर्मूला आपने नहीं बताया, मगर अब तुम खुद निकाल पाओगे या नहीं फॉर्मूला इस टाइप से? यस सर, इस टाइप से तुम फॉर्मूला निकाल सकते हो, मतलब तुम यहाँ मगर ऑब्जर्व करना होगा हाँ। तो इसलिए मैं केवल एक फैक्ट लिखवा के मैंने नीचे बता दिया कि देखो क्या हो रहा है, मैं पूरा एक सेट नहीं दूंगा तुम्हें क्योंकि एग्जामिनेशन वाले दिन वो सेट याद नहीं रहने वाला है, कभी कभी सा हाँ, मगर इस चीज को याद रखो कि ओ हाँ ऐसे करके मैं देख सकता हूँ क्या हो रहा है। मैक्सिमम तब ए था, बी, बी मैक्सिमम था, तो हैंस ट्वाइस से ट्वाइस भी मैं दोनों टाइम में मुझे क्या मिला, कभी मैक्सिमम ऑफ ए बी और यहाँ पे भी क्या मिला टू टाइम्स ऑफ क्या मैक्सिमम ऑफ ए बी, कभी ऐसा मिनिमम भी हो सकता है। तो सर क्या यूज है, क्या यूज है, मतलब तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि प्रॉब्लम फाइंड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंसिबिलिटी ऑफ f of x is equal to mod x plus x square plus mod of mod x minus x square। क्या करोगे, अब इसे ब्रेक करने के लिए जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, डायरेक्टली क्या सोच सकते, डायरेक्टली बोलोगे अब ये मैक्सिमम ऑफ क्या होगा, तब कोई बोलेगा टू टाइम्स ऑफ मैक्सिमम ऑफ क्या हो जाएगा ये mod x और कितना बोलो डोमेन थोड़ी ना निकालना, रेंज थोड़ी ना निकालना, डायरेक्टली बस इसी का देखने से तो हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर था और ये मॉड एक्स था, मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला, तो ये कितने जगह नॉन डिफरेंसेबल होगा, ये भी साफ रनिंग है, तो 3 पॉइंट ऑफ एंडी आया समझ में ना। तो कभी कभी ये सब चीजों को भी याद रखोगे, ठीक है। तो ये एक फैक्ट मैं दे रहा हूँ हाँ, और ऐसा नहीं है कि मैंने ये फैक्ट को प्रूफ नहीं कराया है, क्योंकि इसी सम में कभी हो सकता है कि a माइनस ट्वाइस भी हो, ट्वाइस ए प्लस थ्राइस भी हो, कभी कभी हो सकता है a प्लस बी बाई 2 आ रहा हो, जो भी आ रहा हो तुम इस कभी कभी इस टाइप से ब्रेक करके तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, और उसके बाद सम में जाओ, ये नहीं कि पहले सम में चले जाओ और फिर उसके बाद फंस जाओ। लिखना है आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। कांस्टेंट फंक्शन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि एफ डैश एक्स 0 होता है फॉर ऑल एक्स। सम लिख लो, सर वो F 2021 है। आगे चलूं? Yes sir। मैं जानता हूं कि मैं अभी जब तुमसे एक चीज पूछूंगा तो तुम बोलोगे अरे सर आपने पूछा इसीलिए पता चला। ठीक है, मान लो मैंने पूछा इसलिए पता चला, ठीक है, तो बाद में सम करोगे तो पता चलेगा ना। जब x टेंडिंग टुवर्ड्स y ले लेता हूं या y टेंडिंग टुवर्ड्स x ही ले लेता हूं, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये किसकी ओर जाता है? y टेंडिंग टुवर्ड्स x जाता है, तो इसका वैल्यू किसकी ओर जाता है? जीरो। 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 मुझे वही चाहिए। और ये किसकी ओर जाता है? जीरो। जीरो। मुझे यही चाहिए। जब ऐसा तुम कभी देखोगे, ये होना जरूरी है, जीरो जीरो, तो तुम फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लेके आ जाना। सर समझ में नहीं आया, बताता हूँ। मॉड है, तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी कर सकते हो। एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स लिखो, क्या जाता है? एक वाई माइनस एक्स को इधर लेके आ जाना। सर कोई रीजन है, स्पेशल रीजन है क्या? हाँ स्पेशल रीजन है, सैंडविच थ्योरम। मतलब अब तुम एक काम कर सकते हो, तुम अप्लाई कर सकते हो क्या? लिमिट वाई टेंडिंग टुवर्ड्स एक्स। ये अप्लाई करने से इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, ये कौन सा फॉर्म देगा ये अप्लाई करने से? वो तुम्हें देखना, वही तुम्हें सोचना था कि ये 0/0 फॉर्म देगा। अगर ये 0/0 फॉर्म देगा और राइट हैंड साइड में, तब क्या हो जाएगा? ये तो एग्जैक्टली 0 हो गया। 0, यस सर। तो अगर मैं इस वाले में एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा? वेरिएबल कौन है, एक्स या वाई? तो इसे पढ़ते क्या हो? इसे पढ़ते वाई टेंडिंग टुवर्ड्स एक्स। और इंग्लिश तुम लोग का मुझसे ज्यादा अच्छा है, तो डिफरेंशिएबल उसके रेस्पेक्ट में करोगे जो वेरिएबल। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तब इसका वैल्यू क्या आएगा? लिमिट वाई टेंडिंग टुवर्ड्स एक्स, एफ डैश वाई, एफ ऑफ एक्स 0 (1 - 0) इज लेस देन इक्वल टू 0। अब एक्स डालोगे तो मॉड ऑफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ये तो एक ही पॉसिबिलिटी दे सकता है। मॉड कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। तो ये तो केवल इक्वल, और ये अगर केवल इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? ये कब पॉसिबल? x is constant, fx is constant, और f dash x केवल कब 0 होगा? if y is equal to f of x is constant, f of x is constant। और अगर f of x is constant है, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है f of 20 या किसी का वैल्यू, किसका f of 12 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना? 20। तो मुझे बोल पाओगे f of 20, 21 भी क्या होगा? 20। मैम मगर इस सम को और एक तरीके से कराऊंगा, ठीक है, मैं इस सम को और एक तरीके से कराऊंगा, मगर मुझे ये तरीका ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने पहले ये कहा है। दोनों सेम ही चीज है, लिखना है तो पहले लिख लो प्लीज। हाँ मैं इसे और एक तरीके से कराऊंगा, पहले ही कहीं कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर पहले स्टेप में सर दोनों को सर मतलब दोनों साइड में सर 0 होना पड़ेगा ना फर्स्ट स्टेप। अगर मतलब y टेंडिंग टुवर्ड्स x में बढ़ना, वो नहीं होने से ये लॉजिक लगेगा ही नहीं। तुझे क्या चाहिए? 0/0 फॉर्म नहीं होने से तुम एल हॉस्पिटल लगा पाएगा क्या? नो सर। तब ये मतलब हो सकता है कि वो किसी दूसरे तरीके से सॉल्व हो, मगर ये एल्गो नहीं लगेगा। ये एल्गो लगने के लिए 0/0 होना ही पड़ेगा। ठीक है सर। लिख लिया सर? थोड़ा रुकिए Yes sir, done. ठीक, 2 मिनट एक काम कर। आगे निकलो। यस सर। मैं इसे और एक टाइप से कराऊंगा। क्या इंफॉर्मेशन था? f(x - f(y) is less than equal to और मेरा कहना है कि f'(x) का एक डेफिनेशन था, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ, ये था या नहीं? यस सर। यस सर। ये फॉर्म तुम्हें यहां पे दिखना चाहिए। ये पैटर्न दोनों को मिला के पैटर्न देखो। हाँ, तुम बना सकते हो। कैसे? x को मैं रिप्लेस कर दूं x प्लस एच से, y को रिप्लेस कर दूं x से, तो 1 कैसा दिखेगा? f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू एच स्क्वायर। क्या ये पैटर्न बना पाओगे? हाँ या ना? अब मैं दोनों साइड में, ये मॉड है रे, मॉड एच, दोनों साइड में लिमिट ले लेता हूं। ये मोटिवेशन है। सैंडविच थ्योरम बोलता है कि तुम ये काम कर सकते हो। सैंडविच थ्योरम बोलता है ना, लिमिट ले सकते हो या नहीं दोनों साइड में? हाँ या ना? सैंडविच थ्योरम ये था या नहीं कि तुम दोनों साइड में लिमिट ले लो? तो क्या फायदा, इसका वैल्यू क्या होगा? यहाँ से मोटिवेट होके बोलो ना। ये तो मतलब अरे बोर्ड लेवल है यार। ये क्या था? क्या ये f'(x) नहीं? f'(x) is less than equal to 0, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, f'(x) equal to 0, मतलब f(x) is constant। लिखना है तो लिख लो। तुम लोग सर दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है, मैं भी जानता हूँ, मगर तरीका सेम नहीं है। दोनों में दो, एक में एल हॉस्पिटल लगाया गया, एक में डेफिनेशन लगाया गया। सब आगे चलूं? यस सर। लास्ट सम डिफरेंसिबिलिटी का, उसके बाद डिफरेंशिएशन शुरू होगा। लास्ट सम में फेयरवेल सम में थोड़ा बोलना तुम लोग भी मुझे, क्या कर दूंगा। प्रॉब्लम लेट p(x) इज इक्वल टू समेशन ऑफ ar(x3)/r इक्वल टू 0 विथ एंड summation of r equal to 0 to n is equal to 0 if mod of p(x) is less than e⁻⁴x - 1 for all x, then prove that summation of r equal to 1 to n is always less than equal to 1. किसी को लिखना है तो लिख लो, लिखना है लिखो ही। हाँ, 30 सेकंड दे रहा हूँ, फिर सम सॉल्व करूँगा। चलो समेशन को ब्रेक करके देखते हैं। पी ऑफ एक्स का समेशन अगर जीरो से ब्रेक करोगे एन तक तो ये दिखेगा कैसा, पहला टर्म ए जीरो क्योंकि यहाँ पे जीरो जीरो डालोगे, फिर इसमें वन डालोगे तो a1x प्लस a2x स्क्वायर anx टू इक्वल क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ r इक्वल टू जीरो टू एन ए आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, r का वैल्यू जीरो डालोगे तो ए जीरो प्लस ए वन डॉट डॉट ए एन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ डेट यहाँ पे अगर ब्रेक करोगे, मैं डायरेक्टली ब्रेक कर रहा हूँ, क्या होगा r का वैल्यू वन डालोगे तो ए वन प्लस ट्वाइस ए टू एन ए एन इज लेस देन इक्वल टू वन, ये प्रूफ करना है। मैं तुमसे कुछ पूछूंगा और तुमसे मुझे आंसर का एक्सपेक्टेशन है। अगर भैया ये पी ऑफ एक्स का वैल्यू है, अगर ये पी ऑफ एक्स का वैल्यू है तो ये क्या है, पी ऑफ वन ठीक है, एक्स का क्योंकि एक्स गायब हो रहा है तो एक्स वन है ना बात, ठीक है। पी ऑफ वन डालोगे तो सब ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन, पी ऑफ वन। इसका मतलब है जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो ये इन्फॉर्मेशन है कि पी ऑफ वन जीरो है। अब देखो कुछ चीज गिवन है, ये गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है तुम्हारे पास मॉड ऑफ पी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वन। तुम्हें मालूम है कि पी ऑफ वन जीरो है, वेरी गुड। एट एक्स इक्वल टू वन इसका वैल्यू क्या हो रहा है, बोलो इस पूरे का वैल्यू जीरो, क्या ये उस टाइप में नहीं है जो अभी मैंने किया था, हाँ या ना? यस सर, यस सर। क्या मैंने क्या बोला था, क्या पकड़ पाए एल्गोरिथम क्या था, पहले क्या करोगे, दोनों साइड अभी लिमिट लगा के फायदा है क्या, नो सर। लिमिट के लिए तुम्हें एल हॉस्पिटल चाहिए तो क्या करूं, बोलो ना, सुनने में नहीं आया। सबसे पहला स्टेप क्या था, देखो ना ऊपर उल्टा के देखो ना, पहला स्टेप क्या था, इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या लगाया था, मैंने लगाया क्या, वाइट एंड स्क्वायर, नहीं वो तो ठीक है, और भी कुछ है, मतलब मैं बार बार बोल रहा था एल हॉस्पिटल रूल, हाँ जीरो बाय जीरो फॉर्म, तो वो कैसे आएगा सर, राइट वाला टर्म नीचे ले, मतलब मुझे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं यहाँ पे फ्रैक्शन कैसे लेके आऊँ ताकि मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा पाऊँ, तो फ्रैक्शन कैसे लेके आ सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, पी ऑफ एक्स के साथ क्या ई टू द पावर एक्स माइनस वन। अब क्या करूँगा, अब दोनों साइड लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स वन लगा दूँ, क्या फायदा होगा, क्योंकि तभी फायदा होगा ना, इज लेस देन इक्वल टू वन, इस साइड भी लिमिट आएगा। अब क्योंकि ये जीरो बाय जीरो हो रहा है तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा, पी डैश एक्स बाय क्या, ई टू दी पावर एक्स माइनस वन इंटू वन इज लेस देन इक्वल टू कितना, वन। तो दिस इंप्लाइज क्या, पी डैश वन इज लेस देन इक्वल टू वन। अब पी डैश वन क्या होगा, पी ऑफ एक्स क्या था, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स थ्री पर एन, तो पी डैश एक्स क्या होगा, ए वन प्लस ट्वाइस ए टू एक्स डॉट डॉट एन ए एन एक्स थ्री पर एन माइनस वन। तो पी डैश वन क्या हो जाएगा, ए वन प्लस ट्वाइस ए टू डॉट डॉट एन ए एन। तो यही तो प्रूफ करना था, मतलब इसका ये क्या मतलब है, समेशन आर इक्वल टू वन आर इंटू ए एन, तो ये ए वन प्लस ट्वाइस ए टू डॉट डॉट एन एन लेस, ये लास्ट सम, डिफरेंशिएबिलिटी का ये लास्ट सम है। अब हम डिफरेंशिएशन में जाएंगे, लिखना है तो लिखना। सम पे लिख लिया, सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। लिख लिया? यस सर। यस सर। दो मिनट। Method of differentiation. आज कुछ नया थ्योरी ज्यादा नहीं दिखेगा तुम्हें, या हो सकता है नहीं दिखे। हाँ, मैं आज वो सम्स कराऊंगा जो डिपेंड्स अपॉन बोर्ड लेवल है। क्योंकि बोर्ड लेवल में हम लोगों ने किया हुआ है, तो पहले एक बार बोर्ड लेवल को ही रिवाइज कर लें, इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बोर्ड लेवल को रिवाइज नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलो शुरू करते हैं। इसे कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, क्या करूं? रिडक्शन कैसे रिड्यूस करूं? साइन और कॉस के टर्म में। मैं इस 1 के बदले कुछ लिख सकता हूँ, tan x माइनस sec x प्लस 1। क्या ऊपर कुछ अच्छा हुआ? कॉमन ब्रैकेट में क्या रह गया? 1 माइनस sec x प्लस tan x। क्या अच्छा लगा? जी सर, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो अभी प्रोसीजर ने बोला वही वाला बात। क्या क्या एल्गो बोर्ड थोड़ी ना कराऊंगा, बोर्ड लेवल का कराऊंगा एल्गोरिथम। क्या? फर्स्ट रिडक्शन देन डिफरेंशिएशन। याद रखना ये एक टाइप है कि सम मिलते ही मालूम चला कि हाँ स्पीड में करना शुरू कर दिया, वो नहीं तो बोलोगे सर अब तो छोड़िए सर, क्या ये तो हो जाएगा, इसमें अब कुछ बाकी नहीं है। लिखना है तो लिख लो। समझ में आया? यस सर। यस सर। लिख लो। बोल देना ठीक है, 30 सेकंड दे ही दे बोलने का ही जरूरत नहीं है। तो कितना बोले हो गया जस्ट वेट। आगे निकलता हूं। तो क्या करोगे यहाँ पे, क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन? नहीं सर, नो सर। सर क्या करें? n-m को सर x^n डिवाइड बाय x^m करके सर एलसीएम लिखे करेंगे। तो एलसीएम करने से क्या फायदा हो जाएगा? x^m प्लस x^p बाय x^m प्लस 1 बाय x^m बाय x^n प्लस। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मैं चाहता हूं कि लिखने से पहले तुम ऑब्जर्व करो, तुम सब लोग, क्या कुछ अच्छा हुआ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जानते हो, अभी भी और लाइफ में भी, कि ऑब्जर्व करके पता चले कि तुम्हारे दोस्त हर समय अच्छे हैं। क्या ऑब्जर्व करके देखो कुछ अच्छा लगा? डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर ही सेम नहीं हुआ और भी अच्छा कुछ हो गया था, वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 तो खेला ही खत्म हो गया। तो y का वैल्यू x^m + x^n + x^p बाय x^m + x^n + x^p। तो अगर y का वैल्यू 1 हो गया तो dy/dx 0। आंसर क्या होगा? 0 और इंडिपेंडेंट ऑफ एमएनपी, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? यस सर। सर थोड़ा रुकिए। सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, रुक जाओ, दोनों रुक जाओ। दो मिनट रुक जाओ। दिख रहा है? यस सर, यस सर। शुरू करें, क्या किया जा रहा है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या? सब्स्टिट्यूट सर, एक्स स्क्वायर को साइन थीटा ले सकते हैं, तो ये याद रखना होगा। इसका एक तरीका था क्या, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसलिए एक्स स्क्वायर को साइन है और वाई स्क्वायर को साइन डी। आगे मैं नहीं करूंगा वो, मैंने बोर्ड लेवल में हमने ये क्या हुआ है, तो हमें मिलेगा कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस साइन बी, और ये प्रोसीड। किसी को लिखना है तो लिख लो, पता नहीं सम भी लिख पाए थे यानी। मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, 45 सेकेंड्स। आगे चलूं? यस सर। ठीक। ऐसा डिफरेंशिएशन हमने बोर्ड लेवल में देखा हुआ था। इफ साइन एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, देन फाइंड एफ डैश जीरो। मगर प्रॉब्लम ये है, सॉरी एफ डैश नहीं, देन फाइंड वाई डैश जीरो। वाई डैश निकालने के लिए तब नहीं बोला था, यहाँ पे मगर वाई डैश निकालने के लिए बोल रहा है। हाँ, सॉल्यूशन। साइन एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस एक्स वाई, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई। यू भी लगेगा, अरे वाई वेरिएबल है, और ये नहीं कि सर दिया कहाँ है, वाई कुछ मेंशन नहीं है, तो वाई एक्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। माइनस साइन एक्स, सजा के लिखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया। माइनस साइन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स कॉस एक्स वाई प्लस 1। तो अब मुझे बोलो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा? ठीक है, तुम डाल सकते हो, मगर एक जगह फंस जाओगे, ध्यान से देखो। जब तुम एक्स इक्वल टू 0 डालोगे तो यहाँ पे फंस रहे हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें वाई का वैल्यू भी चाहिए। तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हें एक्स के साथ वाई का वैल्यू भी चाहिए, तो कैसे निकाले? तो यहाँ का एक प्रॉब्लम, वाई क्या चीज है, मुझे नहीं पता है, तो इसलिए मैं दोबारा इस इक्वेशन में आ रहा हूं और y का वैल्यू मुझे अब चाहिए जब x का वैल्यू y डैश जीरो का मतलब समझ में आया ना, dx निकालो जब x का वैल्यू क्या होगा जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे x को जीरो पुट अप कर देता हूँ तो ये क्या हो गया बोलोगे, प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 1। तो y का वैल्यू क्या आ गया, तो इसका मतलब तुम्हें मालूम है dy बाय dx जब अगर x इज इक्वल टू जीरो है तो y का वैल्यू 1 है। अब ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आया -0 -1 बाय 0 प्लस 1 इज नथिंग बट -1। किसी को डाउट है तो बोलो रे, क्योंकि बड़ा शांति है चीज, जब ज्यादा शांत हो जाता है तो या तो बहुत अच्छा समझा रहा हूँ या तो एकदम बुरा समझा रहा हूँ। सर बोल सर वो y डैश जीरो वाला पार्ट एक बार फिर से बता देंगे। y डैश जीरो का मतलब होता है तुम्हें dy बाय dx जब x का वैल्यू जीरो चाहिए तब चाहिए। मैं अगर x का जीरो डालूं तो सब जगह में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे लिए रेड कलर ये है, ये मुझे प्रॉब्लम कर देगा तो डाल के y का वैल्यू निकाल लिया और जो वैल्यू निकला वो वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया। रुद्रनील क्या बोल रहा है मुझे सुनने में नहीं आ रहा था। हाँ सर समझ गया सर। इसे लिखो आ रहा हूं, एक मिनट। आगे चलूं? यस सर। Problem. Find differential coefficient of इसे डिफरेंस चलो सॉल्यूशन कैसे निकालते थे याद है? पहले u लेते थे फिर v लेते थे और क्या करेंगे रे, मुझे निकालना क्या है डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम du बाय dv। ये कैसे निकलता था x को tan थीटा du by dx by dv by dx dv by dx। तो कैसे निकालें डायरेक्टली या कुछ ना करें, सब्स्टिट्यूशन x को tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे 1 + x² है तो एक ही लॉजिक लगेगा। वो लॉजिक ये है कि x को tan थीटा ले लो। एक्चुअली में x को tan थीटा मतलब tan इनवर्स x को थीटा लिया जाता है, ये याद रखना। हाँ, तो रेंज होगा वो tan इनवर्स x का रेंज होगा कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेके π/2 तक। तब जब तुम u में डालोगे तो ये tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, √1 + tan² - थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। बाहर क्या निकलेगा रे, tan इनवर्स ऑफ मॉड निकलेगा। समझ में आ रहा है? अब मैं एंट्रेंस से मुरे इस चीज को याद रखना, मॉड निकालना। हाँ, tan इनवर्स ऑफ। अब तुम बोलोगे सर नहीं सर मैंने एक किताब में सॉल्व किया था, मॉड नहीं लेने से भी आंसर आ जाता है, उन्होंने नहीं लिया था। उसका एक अलग रीजन हो सकता है कि थीटा -π/2 से π/2 तक है। इस क्वाड्रेंट में तो sec थीटा क्या होगा, क्योंकि यह तो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट का खेल है, पॉजिटिव होगा, इसलिए mod sec थीटा तो केवल sec थीटा ही देगा ना। तो u का वैल्यू क्या दे दिया, tan इनवर्स ऑफ sec थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। क्या तरीका था, इसे साइन कॉस में चेंज कर लेते थे, 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्या करोगे, tan इनवर्स ऑफ sin² थीटा/2 डिवाइडेड बाय, ये sin स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय 2 sin θ/2 cos θ/2 मतलब tan इनवर्स ऑफ tan θ/2। कैंसिल कर दो, मतलब u का वैल्यू क्या मिला, θ/2। वैसे अब क्या करोगे, अच्छा सुनो एक चीज बोलूं, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो u में सब्स्टिट्यूट करोगे वही v में सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे तो करोगे मगर वो जरूरी नहीं है। ठीक है, छोड़ दूं आगे, हो जाएगा। यस सर, यस सर। क्योंकि मगर यहाँ पे तो x को tan थीटा ही सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब मैं रूट डायरेक्ट ही निकालता हूँ। हाँ, 1 + sec थीटा डिवाइडेड बाय 2 sec थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करो, कॉस इनवर्स ऑफ 1 + cos θ/2 मतलब cos इनवर्स ऑफ 2 cos² θ/2। मगर मैं जानता हूँ मॉड कहीं भी नहीं लूंगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, इसलिए cos θ/2 कैंसिल हो गया, θ/2। तो u भी θ/2 निकला, v भी θ/2 निकला, मतलब u = v हो गया, इसलिए du/dv का वैल्यू 1 हो गया। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछो। आगे चलूं सर, थोड़ा रुकिए। सर हो गए। सर सेकंड पेज थोड़ा लिखना है, लिख लो। लेट्स गो। मैं भी दो, हाँ 30 सेकंड के लिए मैं दो मिनट। ओके सर, 2 मिनट के लिए। तो अब ना मैं ऐसे ही कुछ लंबे डिफ्रेंसिएशन करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग मुझे कभी जब मैं कोई सम दूं तो तुम मुझे ये ना बोलो अरे सर ये क्या किया सर आपने, बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया। तो ऐसे ही कुछ 2-3 सम्स करवा रहा हूँ। कोई एल्गो नहीं है, डिपेंड करेगा कि कहाँ पे क्या लगाओगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट नाम का एक वर्डिंग है, परफेक्ट लगता है ऐसे सम्स के ऊपर कि करत करत अभ्यास जरमती हो सुजान, जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा बेटर है। इफ ax + b e⁻yx = x and x³ d² y/dx² = x × dy/dx + k × y² then find k। न्यूमेरिकल टाइप में कभी कभी ऐसा सम आ सकता है। ध्यान से देखोगे तो सम में a और b गायब है, और जब ऐसा सम तुम्हें मिलता है जहां पे ए और बी गायब होता है तो थोड़ा कंसंट्रेट करना। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से ए और बी हर समय रह जाएगा। क्या सम को लिख लोगे? 20 सेकंड देता हूं, उसके बाद मैं शुरू करता हूं। सम को लिख लो। चलो आगे चलना। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से आंसर नहीं आएगा। y बाय x को नीचे लाना है तो क्या लूं? y बाय x क्या हो जाएगा? ln ऑफ। सुनने में आ रहा है? यस सर, यस सर। लाइन में तो हूं मैं। दिस इंप्लाइज y/x = ln x - ln ऑफ। अभी भी डिफरेंशिएशन करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा इसके लिए, इसलिए इसे यहां ले आता हूं। x ln x - ln ऑफ ax + b। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा? dy/dx x × 1/x + ln x - x/ax + b - ln of ax + b। नहीं यार मुश्किल हो गया सर। क्या मुश्किल हो गया? ln रह गया, ln नहीं रहना चाहिए था। तो ln नहीं रहने के लिए क्या करूं? इससे डिफरेंशिएट करना। एलन अगर मुझे हटाना है तो मुझे रेड वाले को डिफ्रेंशिएट करना ज्यादा अच्छा है या ब्लू वाले को? अगर एलन हटाना है तो कोई बोलेगा रेड, क्योंकि ये अकेला है डायरेक्टली एलन। तो एलन मुझे हटाना है क्योंकि मुझे ए भी नहीं चाहिए, तो इसमें तो ये रह जाएगा। हालांकि मैं इसका वैल्यू डाल के निकाल सकता था, मगर ln रहने के कारण मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। u बाई वी लगेगा, नीचे एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स माइनस ए एक्स बाई ए एक्स प्लस बी। ऊपर ही आएगा एक चेन रूल के कारण। एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस साइड ले आता हूँ, नीचे एलसीएम ले लेता हूँ, एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी। क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स, ए एक्स ए एक्स, चलो कुछ तो कैंसिल हुआ। इसका मतलब क्या मिला, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये एक एक्स भी कैंसिल हो गया, ए एक्स बाय ए एक्स प्लस बी। इससे अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करूं, हाँ बोलो सर, बी एक्स हो गया। सर न्यूमरेटर में बी एक्स, न्यूमरेटर बी एक्स। सर स्टेप 24 में चलो bx हो गया, चलो ये वाला bx है, ठीक है। अगर और एक बार डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, x इंटू कितना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई के बदले डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। सम गलत है क्या, अरे ए एक्स प्लस बी मल्टीप्ल बी माइनस, एक बार तब भी देखता हूँ बी एक्स के साथ ए, हाँ मुझे एक बार करने दो, हाँ। तो एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू नीचे क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर। तो एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां से एक वैल्यू आ रहा है, देखो b बाय ए एक्स प्लस बी का वैल्यू क्या आ रहा है, डी वाई बाय डी एक्स माइनस कितना, ये x को अगर मैं नीचे लेके आ जाऊं, और ये वाला टर्म मुझे यहां पे मिल रहा है, ये वाला टर्म मुझे यहां पे मिल रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा तब, x इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई एक्स प्लस बी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तुम्हें चाहिए क्या, अरे बहुत एक्स क्यूब के साथ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस के वाई, आंसर आ गया। एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आया, एक्स क्यूब इंटू कितना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। कंपेयर करोगे के का वैल्यू -1। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो इसमें ये करना होता है, y बाय एक्स हटाया, डिफ्रेंशिएट किया। अगर तुम यहीं पे अगर तुम सोचना शुरू कर देते कि सर डिफ्रेंशिएट करने से ये नहीं हटेगा तो खत्म हो जाते, ये नहीं सोच के डिफ्रेंशिएट करके देखा गया तो b बाय एक्स का होल स्क्वायर आ गया। किसी को लिखना है तो लिख लो, किसी स्टेप में डाउट है तो बोलो, हाँ। मगर मैं यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं देना चाह रहा हूँ, हाँ। कुछ ऐसा 2-3 सम करवाऊंगा, लिख लो। आगे चलूं? नो सर। सर डन। चलो आगे चलो। और एक सम करवा। If x plus a by 2 is equal to b cot inverse b ln y, b greater than 0, then y double dash, y double dash plus y dash ln y is equal to a y dash b y dash का होल स्क्वायर c 0 d 1। सम लिखना है तो लिख लो। चलूं आगे। यस सर। यस सर। ये सम और इससे पहले वाले सम में एक समानता है। ये भी देखो यहाँ पे भी नहीं है। समझ में आया? यस सर। तो ये जब ये भी गायब हो जाता है ना तो कुछ सोचना पड़ेगा, मगर ये यहाँ पे जो मैं सोचने जा रहा हूँ ये मैंने तुम लोगों को बताया है बोर्ड लेवल में, ऐसा काम हमने किया हुआ है। कुछ याद आ सकता है तुम लोग को? कुछ याद अगर आएगा तो बोल देना हाँ सर क्या हुआ था। ये वर्ड सुन के अच्छा लगता है। कॉट को इस साइड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, हाँ सेम लॉजिक, मगर यहाँ पे वो चीज नहीं है, मगर लॉजिक वही है। हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वाला लॉजिक हमने जो करवाया था कि कांस्टेंट को बड़ा करो, यहाँ पे हमने वो काम नहीं किया। मगर यहाँ पे देखो करने के बाद मुझे मालूम है कि बोलना बड़ा आसान है कि ऐसे दिमाग में आ सकता है, मगर तब भी एक खासियत है इसमें, जानते हो? कॉट का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर। क्या कॉसेक स्क्वायर को तुम कॉट के टर्म में लिख सकते हो? ये एकदम याद रखो रे। टेन और कॉट का ये खासियत है कि इनका डिफरेंशिएशन उसी के टर्म में आ सकता है। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो b इंटू 1/y dy by dx क्या मिलेगा? कॉट का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर x प्लस a by twice b मल्टीप्लाइड बाय क्या 1/b। इसका मतलब b by y into dy by dx is equal to 1/2b और cosec square के बदले क्या लिख सकता हूँ? कोई बोलेगा? 1 plus cot square x plus a by twice b और cot के बदले क्या लिख सकता हूँ? कोई बोलेगा? b ln y। b ln y का क्या होल स्क्वायर। वो होल स्क्वायर कहाँ पे? केवल b ln y का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, इतना बड़ा लिखना पसंद नहीं है इसलिए b बाय y इंटू y1 लिख देता हूँ। 1/2b 1 plus b ln y का होल स्क्वायर। अब अगर और एक बार डिफरेंशिएट करूं क्योंकि मुझे y2 चाहिए। y1 का मतलब dy by dx होता है, याद रखना। हाँ तो और एक बार डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा? नीचे क्या मिलेगा? y स्क्वायर। b बाहर आ गया, y रहने दो। किसे डिफरेंशिएट करोगे? dy1 by dx माइनस y1 इंटू क्या dy by dx इज इक्वल टू 1/2b। 1 का डिफरेंशिएशन 0 b स्क्वायर इंटू ट्वाइस ln y। ln y का डिफरेंशिएशन 1/y, साइड में dy by dx। आगे छोड़ दूं, सजाओ जाओगे ना, आगे सजाने से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। b इंटू डी वाई, इसे क्या लिख सकते हो? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2b इंटू ट्वाइस b स्क्वायर ln y इंटू 1/y इंटू y1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन आ जाता है। हाँ किसी को लिखना है तो लिख लो। कुछ नहीं सिखा रहा हूं, कुछ नहीं सिखा रहा हूं, बस बता रहा हूं कि देखो डिफरेंशिएशन में अलग अलग तरीका है। सर बोलते जा। सर लाइन 16 में सर वो माइनस कोसेक स्क्वायर नहीं होगा क्या? हाँ माइनस होगा वो देखेंगे। थैंक्स रे बना आंसर नहीं मिलता। सर थोड़ा नीचे कर दें। हो गया? यस सर। लिखो इफ अब यहाँ पे तो कोई चीज गायब नहीं है। यहाँ पे कोई चीज गायब नहीं है। चलो आगे चलो। तो सर गायब नहीं है तो सर खेला ही खत्म। मगर इतना सिंप्लिसिटी से ये आता भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो। इसका दो मेथड है रे, 1/5 वाई टू दी पावर 1/5 माइनस 1 कितना होगा माइनस 4/5 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/5 माइनस 6/5 डी वाई बाई डी एक्स। मतलब dy बाई डी एक्स इंटू वाई टू दी पावर माइनस 4/5 वाई टू दी पावर माइनस 6/5 इज इक्वल टू 2। हाँ मैं ये टर्म यहाँ पे लाऊंगा देखो। हाँ ये टर्म यहाँ पे लाऊंगा, ला सकता हूँ क्या? क्या कॉमन ले लूँ? ये y टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/5 इंटू वाई टू दी पावर माइनस 1 माइनस वाई टू दी पावर माइनस 1/5 इंटू वाई टू दी पावर माइनस 1 इक्वल टू 2। क्या फायदा? कुछ कॉमन आएगा। वाई टू दी पावर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया। सुनने में आ रहा है? यस सर। यस सर। मैं तुम बोलोगे सर आप कुछ समझा नहीं रहे हो। मैं है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। यही मुझे करना ही पड़ेगा। इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि हाँ मैं तुम्हें बताऊं तो फिर वो कुछ हो जाता है। तो एक 5 भी था ना सर, 1/5 एक कॉमन आना चाहिए। हाँ 1/5 ठीक है। तो 1/5 से इसे 10 बना दूं, हो गया? यस सर। इसे भी इस साइड लेके आ जाता हूँ तो क्या मिला वाई टू दी पावर 1/5 वाई टू दी पावर माइनस 1/5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 वाई। खेला अब है। खेला अब। y टू दी पावर 1/5 प्लस y टू दी पावर -1/5 का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है कितना, 2x। क्या तुम यहाँ से y टू दी पावर 1/5 माइनस इसका वैल्यू निकाल सकते हो? यस सर। रूट ओवर ऑफ क्या होगा ये y टू दी पावर 1/5 प्लस y टू दी पावर -1/5 का होल स्क्वायर होगा तो माइनस, नहीं मुझे तो प्लस में चाहिए ना। ठीक है मैं दोनों साइड स्क्वायर ही कर देता हूँ। पहले एक काम करता हूँ, y टू दी पावर 1/5 का एक नाम दे देता हूँ a। तो मुझे क्या मिला, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2x। मुझे a माइनस 1/a का वैल्यू चाहिए, निकाल सकते हो? अब मेरे ख्याल में मुझे समझाने में भी आसान होगा। इज इट ओके? यस सर, यस सर। मगर a प्लस 1/a के बदले क्या डाल सकता हूँ, 2x। तो 4x² माइनस 4, तो बाहर क्या निकलेगा, 2 इंटू रूट आवर ऑफ क्या, x² माइनस 1। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू रूट आवर ऑफ क्या, x² माइनस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू कितना, 10y। इज इट ओके? यस सर। अब मैं इसे और एक बार अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या होगा, क्योंकि मुझे ये चाहिए ही, देखो ना x² माइनस 1 मुझे चाहिए और मुझे मिल गया। अब और एक बार डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या मिला, 2 को उस साइड ही लेकर चले जाओ। 2 को क्यों रखूँ तब अननेसेसरी, पहले तो रूट आवर ऑफ x² माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5y। डिफ्रेंशिएट करो तो रूट आवर ऑफ x² माइनस 1 क्या आ जाएगा, d² y बाय dx² प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 2x बाई 2 इंटू रूट आवर ऑफ x² माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अगर इस साइड आ जाए, 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया x² माइनस 1 d² y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू रूट आवर ऑफ x² माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स। क्या ये कहीं पे दिख रहा है? मैं जान रहा हूँ कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, मगर इसमें मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं छुरी दूंगा, रे घबराओ मत। आज मगर मुझे इस टाइप के सम्स को करवाना होगा। x² माइनस 1 क्या आएगा, डी स्क्वायर। हेरिस्टिक प्रोसेस है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इज इक्वल टू 5 क्या लिख सकता हूँ इसके बदले, 5y। इज इक्वल टू कितना हो गया, 25y। देखो यही चाहिए था क्या? यस सर, यस सर। इज इक्वल टू की वैल्यू आ गया, लिखना है तो लिख लो। तुम बोलोगे सर एग्जाम में आने से तो गया ही मैं, उसका अभी चिंता मत करो, अभी सम सॉल्व करने का चिंता करो। गलत करत अभ्यास जरमती हो सुजान, मेहनत करोगे सही होगा। मतलब सम करते करते क्या हो जाना चाहिए ना, कि तुम्हें मतलब एक सूंघने का पावर आ जाना चाहिए कि सम देखते ही अरे ये सम तो जल्दी हो जाएगा। अरे ये सम मतलब जोहरी की नजर चाहिए जो हीरा को पहचान लेता है। लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? तो बोल ही ना सर, लिख रहे हैं। देखो रेडी, सर थोड़ा नीचे कर देंगे। आगे चलूं? यस सर। सर थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए। हो गया चल। शायद छोड़ता ही हूँ क्योंकि थोड़ा सा तुम लोग भी ट्राई करोगे अगर हरे हाँ, मगर मेरे ख्याल में देख के तुम लोग के दिमाग में और एक चीज आ रहा होगा कि सर आपने वैसा क्यों नहीं किया, ये भी इंपॉर्टेंट है रे, ये भी दिमाग में आना कि हाँ इससे भी आंसर आता a + 1/, समझ में आया। क्वाड्रेटिक बना लो तो a का वैल्यू तो a मतलब क्या हुआ y⁻⁴ छोड़ दूं आगे, समझ में आ रहा है ना। यस सर, यस सर। आप डिफरेंशिएट करके उसमें डाल दो, एक बार प्लस वाला केस ले लेना, एक बार माइनस वाला केस ले लेना, हालांकि दोनों से सेम आंसर आता है इसलिए अफेक्ट नहीं करता है। मल्टीपल चॉइस में जब ऐसा दिया रहता है तो केवल प्लस वाला लेने से ही होता है, माइनस लेने का जरूरत नहीं है, वरना आंसर में नन ऑफ दिस दिया रहता है, मगर जो नहीं है वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है, ठीक है तो एक ही वैल्यू मिलेगा, इसका मतलब है। किसी को लिखना है तो लिख लो। उसके बाद कुछ चीजों को छोड़ दूं क्या तुम लोग के लिए, आज घर में एक बार ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो पूछोगे मुझसे। हाँ बोलो। क्वाड्रेटिक मेथड से निकालना आसान हो, डिपेंड करता है मुझे, मतलब क्वाड्रेटिक मेथड से क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ सिखा नहीं पाता, यहाँ पे ज्यादा सिखा पाया इसलिए, क्या समझ में आया। यस सर। यहाँ पे मेरे पास देखो मेरा मेन मकसद होता है कि मैं तुम्हें सिखाऊं ज्यादा, तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो आसान लगे हाँ ज्यादा सिखाऊं तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है आज यहीं पे छोड़ते हैं। हाँ 8:56 हो रहा है, डाउट्स लूंगा मैं, ठीक है तो 5 मिनट का गैप लेता हूँ, 9:10 में ही लेता हूँ, हाँ 9:10 में आओ तुम लोग भी, चाय पानी पी के 9:10 में आओ डाउट्स। Yeah, on number Samsung. अनुराग हो? यस सर। चलो एक एक करके सबका डाउट लेते हैं। ये वाला जी सर, मिनिमम ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर में तुझे ग्राफ के बारे में सोचना होगा। हाँ सर, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है और वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ये क्योंकि तू अगर एक्स स्क्वायर और एक्स को सॉल्व करेगा ना तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, 0 और 1, मतलब ये और ये। समझ में आया? यस सर। और मिनिमम चाहिए तो मिनिमम मतलब नीचे वाला, तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इज इट ओके? हाँ सर। सर मतलब ये ग्राफ्स में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था सर। ठीक है सर, वो करते करते आ जाएगा बेसिक ग्राफ्स। ये कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है? सर 0 से 1 तक। तो ये डायरेक्ट ही अगर हम एफ डैश एक्स ले लेते हैं तो ये 1/(x³ पर a-1), तब a-1 देखिए एक नेगेटिव वैल्यू होगा, नहीं क्या? हाँ सर। अगर ये नेगेटिव वैल्यू होगा तो एफ डैश 0 अगर तुम लिखोगे तो 1/(a) × 0⁴ नेगेटिव। ये तो नॉट डिफाइन होगा क्योंकि 0⁴ पर नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? 1/0, नहीं क्या? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। नहीं तो a का वैल्यू हाफ लेके भी देख सकता था, कोई एक वैल्यू लेके करके देख ले, समझ में आ जाएगा। ओके सर। ऐसे सम में तुझे एक एक पॉइंट में देखना होगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है? f(x) is continuous at all क्या इंटीग्रल पॉइंट। मैं ऐसे सम में क्या करता हूँ, पहले मैं ऑप्शन पर लेता हूँ। f(x) is not differentiable integral point, f(x) is discontinuous at i-1, continuous and differentiable at x = 0। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं सबसे पहले 0 में पूछ रहा है तो 0 में देख लेता हूँ एक बार। तो f(x) को मैं लिख सकता हूँ box x² प्लस √x - box x, नहीं क्या? f(0 - का मतलब क्या हो गया? 0 से थोड़ा सा छोटा। 0 - का बॉक्स -1। ये -1 का होल स्क्वायर होगा। x तो 0 हो जाएगा, -(-1) मतलब 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। f(0) 0 हो जाएगा, दोनों सेम नहीं है तो फंक्शन डिस्कॉन्टिन्यूअस है। 0 आया समझ में? हाँ सर। उसके बाद तो ठीक है तो ये तो गलत हो गया। अब 1 में देखना है तो 1 में देखता हूँ। f(1 - 1) से थोड़ा सा छोटा, box x का वैल्यू 0 प्लस 1 - 0 तो ये 1। f(1) का वैल्यू 1 + √(1 - 1) 1 और f(1+) का वैल्यू 1 + √(1 - 1) तो 1 सेम आ गया। तो फंक्शन क्या आया? कॉन्टिन्यूस। तो कह रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, ये गलत है। ठीक है। हाँ तो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस है। हाँ सॉरी, ये तो हाँ। अब 1 वाले में तो ठीक है ये। अब 2 में देख लेता हूँ एक बार। f(2 - 2 - में ये क्या होगा? 2 से थोड़ा सा छोटा तो 1 + 2 - 1 तो ये 2। एफ ऑफ टू क्या होगा, 2 2 जा 4 डिसकॉन्टिन्यूस। तो दिखने से ही लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। 1 को छोड़ के अगर 2 में डिसकॉन्टिन्यूस हो गया तो अब ऑल ये वाला ऐसे ही हट गया। हाँ सर, ये वाला 1 वाला ऐसे ही हट गया तो नंबर 3 बाकी रहेगा। ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के तुझे निकालना होगा कि ऑप्शन किस टाइप से, उस टाइप से देखना होगा रेदर देन कि हाँ सब कुछ को इजीएस्ट ऑप्शन को पकड़ो और उससे फिर खेला शुरू करो। ये वाला हाँ सर, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 अगर एक्स का वैल्यू 0 तो लिमिटिंग वैल्यू जब लोगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स, तो इसे लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 हो गया। हाँ सर, और फंक्शन वैल्यू भी 0 है तो फंक्शन क्या हो गया सर, वो क्यूब। हाँ साइन क्यूब एक्स स्क्वायर है सर, साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, तो उससे कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसे तो एक्स का पावर ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, 6 दे दो। ठीक है, समझ में आ गया। 6 होगा ना, तब ये 3 और 2 मिला के कितना देगा, 5 हो जाएगा ना। मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इसका मतलब क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू पावर 5। समझ में आया। तो 1 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा, फंक्शनल वैल्यू भी 0 दिया हुआ है तो हेंस फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इज इट ओके? यस सर। अब डिफरेंशिएबिलिटी में देखना है तो डिफरेंशिएबिलिटी देखो, एफ डैश 0 का डिफरेंशिएबिलिटी क्या था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर को तो नीचे एक्स स्क्वायर होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे एक क्यूब है, नीचे केवल एक्स स्क्वायर चाहिए था तो इसलिए एक्स टू पावर 4 1 इंटू 0 तो ये भी 0 हो गया, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। इज इट ओके? यस सर। कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, ये भेज दूंगा अभी तो ये तो पूछूंगा तुम लोग को। अब इस वाले में ग्राफ बनाना होगा, मैं तुमने खुद अभी मुझे बोला है कि सर ग्राफ, तो कुछ ग्राफ्स याद रखना होगा। समझ में आ गया? हाँ सर। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू 2 ग्राफ है, एक है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक है y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1। y इक्वल टू x1 पहले एक काम करो, ज्यादा जिसको डाउट होता है पहले 2 ग्राफ अलग अलग बना लो ना। y x0 तो y का वैल्यू 1, y0 तो x का वैल्यू -1, ये पूरा ये लाइन होगा नहीं क्या, मॉड एक्स प्लस 1 माना y इक्वल टू मॉड एक्स ये लाइन होता है। ठीक है, प्लस 1 मतलब 1 यूनिट ऊपर आ जाएगा तो उसका ग्राफ ये होगा। हाँ तो ये दोनों को अगर तुम मिलाओगे तो ये दोनों का मतलब हो गया कि एक तो ब्लू वाला लाइन होगा और एक ये रेड वाला होगा, मगर ये सेम ही होगा। हाँ पॉजिटिव में दोनों सेम है, पॉजिटिव। तो अब मुझे चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम मतलब ये सीधा सीधी तो कहीं पे शार्प टर्निंग है ही नहीं, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ठीक है। यस सर। चलो तो 13 हो गया। अनुराग, अनुराग के बाद रुद्रनील हो। यस सर। ये वाला सर नंबर 16। हाँ सर 16 तेरा समय ना। हाँ 16 पहले 16 करा देता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स जो है ये देख क्या है ना, मॉड एक्स है। हाँ मॉड एक्स 3e⁻1 बाय मॉड एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस e⁻1 बाय मॉड एक्स, अगर एक्स 0 नहीं है, 0 अगर एक्स 0 है। क्या ये कॉन्टिन्यूस है? तो लिमिट निकाल के देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 मॉड एक्स 3e⁻1 बाय मॉड एक्स। एक चीज जरा ध्यान से अगर तू देखेगा तो इसमें लेफ्ट हैंड राइट लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड एक्स हर समय पॉजिटिव होता है। समझ में आया? हाँ सर, क्योंकि मॉड एक्स हर समय पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट राइट लेके तो क्या फायदा, सब तो सेम ही होगा, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 इंटू 3 इंटू ई टू दी पावर 1/0 तो इन्फिनिटी +4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, मगर इसका एक तरीका था याद आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब डिवाइड कर देते थे किससे सर, ग्रेटेस्ट, तो ई टू दी पावर इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट है तो 3 + 4/e⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2/e⁻⁹ -1 तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो आंसर 0 हो गया। ठीक है सर, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। हाँ सर, मगर डिफरेंशिएबिलिटी में तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो, क्यों सर, क्योंकि जब तुम f' का फॉर्मूला दोगे तब तुम्हारे पास आएगा लिमिट x टेंडिंग टू /0 f(x - f(0/x -0) और तब जब तुम वैल्यू डालोगे रे तो ये मॉड एक्स 3e⁻⁴ +4 डिवाइडेड बाय 2e⁻⁴ (2 - e⁻⁴ इंटू एक 1/x आएगा, ये x। हाँ तो यहाँ पे एक x मॉड के साथ नहीं है, तब तो तुम्हें दो केस लेना होगा, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार राइट हैंड लिमिट। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लूंगा तो ये हो जाएगा, ये समझ में आया ना कहाँ से आया रे, बस वैल्यू। ठीक है, मैं क्योंकि f(0/0 है तो ये f(x/x) हो जाएगा। हाँ, जब मैं 0 माइनस करूंगा तो 0 माइनस में मॉड एक्स मेरे लिए -x हो जाएगा, ये 3e⁻-1/x +4 डिवाइडेड बाय 2 - e⁻-1/x इंटू 1/x। x को कैंसिल करो, अगर x 0 माइनस की ओर जाएगा तो 1/x माइनस इन्फिनिटी, मगर पावर में देखो -1/x है, इसे ध्यान देना होगा, तो ये प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा और तब ये e⁻∞ तो इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए इससे डिवाइड कर दो। अगर ज्यादा सम करोगे तो एक और चीज क्लियर हो जाएगा कि केवल इसका कॉफिशेंट ही बचता है, इसलिए आंसर -3 होगा। अगर तुम डिवाइड कर देते हो तो ये 4/e⁻-1/x 2/e⁻-1/x -1, ये और ये 0 हो जाएगा क्योंकि e⁻-1/x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इसलिए आंसर 3 + 0/0 -3 हो गया। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वैसे ही अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे 0+ तो e⁻⁴ क्योंकि अब तो मॉड एक्स एक्स हो जाएगा, 3e⁻⁴ +4 डिवाइडेड बाय 2 - e⁻⁴ इंटू 1/x कैंसिल करोगे, मगर अगर x 0 प्लस की ओर जाएगा e⁻⁴ इन्फिनिटी की ओर जाता है, तो फिर से जब डिवाइड करोगे तो सेम ही चीज होगा, मगर अब माइनस साइन नहीं होने के कारण ये तुम्हारे पास +3 हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तुम्हें 3 मिलेगा, -3 राइट हैंड डेरिवेटिव तुम्हें 3 मिलेगा जो सेम नहीं है, तो हैंस नॉट डिफरेंशिएबल। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो तुम्हें ये करके देखना होगा सब जगह एक एक करके। हाँ, कि एक बार देख लेना, कहीं डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, मगर तुम्हें ब्रेक करके देखना होगा और कुछ नहीं है। मतलब इसलिए इस बड़े बड़े सम में तुम लोग ना जरा एक चीज को बड़ा आसान हो जाता है अगर तुम लोगों के लिए, अगर तुम लोग ये चीज सीख जाओगे कि मुझे डायरेक्टली अगर आंसर कह पाओ तो, जैसे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3x2 + 5/4x2 + 3 डिवाइड नहीं करके, क्योंकि डिवाइड जब करते हो तो केवल ये और ये ही बचेगा ना, तो आंसर 3/4 है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 3e⁻⁴ प्लस x डिवाइडेड बाय 4 + e⁻⁴ ये इन्फिनिटी हो रहा है, इसलिए आंसर जो होगा वो 3/1 होगा। ये करने से क्या होता है ना कि ये वाला जो एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखना होता है ये लिखने का जरूरत नहीं होता है, डायरेक्टली देख के ही आंसर बोल पाओगे। ये 3 है, ये -1 है, डायरेक्टली ये लिख लोगे, ये 3 है, जब डिवाइड करोगे तो एक नीचे -1 था तो ये +3 हो जाता है। वो मैंने ये माइनस ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे एक माइनस है, वो करके देख लेना, एक बार +3 आएगा एक बार -3, जो भी होगा वो अलग अलग आएगा। ठीक है, वो करके देख लेना। यहाँ पे बोल कौन सा सर, नंबर 11 वाला। फिर से कह रहा हूँ ऑप्शन वाइज में जाओ। हाँ, डिस्कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट कहाँ पे निकालने बोला? एक्स इक्वल टू क्या? -1। तो -1 के आसपास देख एफ ऑफ एक्स, -1 के इन नेबरहुड ऑफ -1 एफ ऑफ एक्स केवल एक ही वैल्यू ले रहा है, वो है बॉक्स ऑफ कॉस पाई एक्स। ठीक है, एफ ऑफ -1 क्या होगा? कॉस पाई -1। कॉस पाई -1 होता है। एफ ऑफ -1 प्लस क्या होगा? और एक काम कर सकते हैं, छोटा सा एक ग्राफ बना लेते हैं -1 के आसपास। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड टेक्निक। -1 के आसपास मैं कॉस पाई एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। कॉस पाई एक्स का -1, जब x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू cos पाई हो रहा है, मतलब -1 है। तो इसके आसपास मैं -1/2 और -3/2 ले रहा हूँ, क्योंकि π/2 जीरो होता है, मुझे मालूम है। तो ये जीरो, ये जीरो, तो ग्राफ ऐसा होगा। यहाँ का बॉक्स -1, यहाँ का बॉक्स -1 तो अगर तुम्हें तीनों जगह में -1 मिला तो क्या बोलोगे फंक्शन इस वाले पॉइंट में? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। तो ये मुझे मिला कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -1, मगर ये तो ये गया कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स इक्वल टू 0 में भी कॉस पाई एक्स है, तो 0 के आसपास कॉस पाई एक्स को बनाते हैं। ये 0, ये -1/2, ये 1/2, इसलिए क्योंकि y का वैल्यू कॉस पाई एक्स है, 0 में 1, तो ऐसा। यहाँ का बॉक्स 1, यहाँ का बॉक्स 0, तो कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस ये भी गया। आया समझ में? हाँ सर। नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1/2। अब 1/2 में देखते हैं। वन में ये फिर से नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये और नीचे चला गया 1/2 में। यहाँ का बॉक्स -1, डिसकॉन्टिन्यूअस, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1/2, ये सही है। समझ में आया? हाँ सर। तो इस टाइप से एक एक में करके देखना पड़ेगा। इज इट ओके? यस सर। चलो चलो, और कुछ है इसमें? नहीं सर, हो गया। ठीक है सर। उसके रुद्रनील के बाद सोहम। यस सर, मेरा डाउट्स हो गया सर। ठीक है सर। मटरी, तेरा भी हो गया? जानकर तेरा भी हो गया? ये हो गया ना, ये वाला तो नहीं, ये बॉक्स एक्सप्रेस सेक्शन एक्स था ना। हाँ सर, समझा। तेजस हो? यस सर। फिर से बॉक्स आ गया तेजस, है ना? तो -1 से 2 तक बस ब्रेक कर, बस ब्रेक कर। अगर x का वैल्यू -1 से लेके 0 तक, तो बॉक्स x का वैल्यू -1, तो ये बॉक्स ऑफ -x, मतलब बॉक्स x नेगेटिव है इसलिए -x। 0 से लेके 1 बॉक्स x 0 होगा, 1 से लेके 2 बॉक्स एक्स 1 होगा, मॉड एक्स पॉजिटिव है। एक्स इक्वल टू 2 के लिए एग्जैक्टली मॉड ऑफ ट्वाइस एक्स 4 हो जाएगा। मतलब थोड़ा और एक बार सजा के लिख ले क्या जाता है तब। -x 0 x 4। समझ में आया? अब करूं या छोड़ दूं, क्या बोलता है? हो जाएगा, क्योंकि अब तो हर एक में तो देख के पता ही कर पाएगा। ये वाला yes, sir. अगर आर टू आर है, एक्स टेंडिंग टू जीरो जब लेके जाएगा तो ये और ये और ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये 1 / इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1/x -1। समझ में आया? yes, sir. 1/x समझ में आया? yes, sir. अगर x 0 की ओर जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है 1, तो ये बाहर आ जाएगा। तो रह क्या गया? अब एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें क्योंकि सब तो 0/0 फॉर्म हो रहा है, ये ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दें। तो ये f(3 + x) माइनस प्लस f(2 - x) / 1 आया समझ में? ये f(3 + f(2) हो जाएगा जिसका वैल्यू 0 है। ठीक है, e⁻0 आंसर 1 होगा। आगे चलूं? यस। फिर ये वाले में फिर से वही हो गया, x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ -x प्लस बॉक्स x। तो ये x प्लस -x प्लस बॉक्स ऑफ -x प्लस बॉक्स x, तो इसका मतलब ये कैंसिल कर, तो बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ -x। अब ये दो वैल्यू लेता था, अगर x इंटीजर है तो -2 डायरेक्टली बाहर निकाल लेता था, इसलिए ये 0 हो जाएगा। अगर x इंटीजर नहीं है तो ये -1 - x होता था, तो ये -1 हो जाएगा। तो इसलिए f(x) कैसा दिखा 0 अगर x इंटीजर है, -1 अगर x इंटीजर नहीं है। तो क्या अब कहाँ पे डिस्कॉन्टिन्यूस है? डिस्कॉन्टिन्यूस एट इंटीग्रल पॉइंट। समझ में आया? यस सर, डायरेक्टली आ गया, ब्रेक करके देखिए। ये वाला एक एक करके सोच। x प्लस है, 1 प्लस है, तो 1 प्लस में मॉड तो ऐसे ही हट जाएगा, तो 1 - x प्लस साइन ऑफ 1 प्लस है, तो 1 - x का मॉड ये क्या हो जाएगा x - 1 साइन π/2। 1 प्लस में कोई एक वैल्यू सोच, 1.1, तो बॉक्स ऑफ 1 - 1.1 क्या होगा -0.1 मतलब -1, तो ये साइन ऑफ -π/2 आया समझ में? डिवाइडेड बाय नीचे वाला x - 1 और ये 1 - x मतलब -1। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। अब एल हॉस्पिटल रूल लगा दे, खेला खत्म। छोड़ दूं? हाँ सर। ये मॉड एक्स देखते ही ब्रेक करना f(x) को दो केस में। अगर x नेगेटिव है तो -a sin x, क्योंकि साइन माइनस को बाहर निकाल देता है। और अगर x पॉजिटिव है, इज इट ओके? अब दो काम कर, क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो f(0 - f(0+) लगा दे, ये तो होता ही है। अब एक बार डिफरेंशिएट कर दे, इससे तो डिफरेंशिएट कर सकता है ना। ये समझ में आ रहा है? शॉर्टकट मेथड लगा रहा हूं। अब उसके बाद कर ले, आया समझ में? हो गया तेरा? सर ये कॉन्टिन्यूस कैसे हुआ? कॉन्टिन्यूस तो डालने से क्या मिला? नहीं, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ए और बी का कोई एक वैल्यू मिलेगा। तुझे क्या मिला? f(0 - हाँ, क्योंकि 0 - में तो ये तो 0 ही हो जाएगा, नहीं क्या? और e ऑफ 0 करने तो तुम्हारे पास b = b मिला, तो कॉन्टिन्यूस तो हो ही गया। नहीं होने से कंटिन्यूअस का कंडीशन लगा देता। ठीक है आदित्य? हाँ सर। हो क्या? हाँ सर। ये वाला यस सर। जब x इंफिनिटी की ओर जा रहा है ये वन की ओर जाएगा, ये दिखाऊं या क्लियर है सर? वो क्लियर है। तब तो ये 1 इंफिनिटी फॉर्म हो जाएगा। तो ये वाला ले ली, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 4x² + 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 ले ले। तो लिमिट x टेंडिंग टू x² कैंसिल हो गया, 1 - 3 - 2 होगा। तो वही मेरा कहना है, देखो अब तुम लोग इतना सम कर चुके हो कि डायरेक्टली x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, केवल यही कोएफिशिएंट बचेगा। तो आंसर -8/2 इक्वल, तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर e⁻⁴ होगा। समझ में आया मैंने ये कैसे निकाला? सर थोड़ा डाउट है उसमें। हाँ यही मेरा कहना है कि ठीक है, जब ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है तो तुम किससे डिवाइड करोगे बोलो? तो वही तो मेरा कहना है, डिवाइड जब तुम x² से करोगे तो किसका कोएफिशिएंट बच जाएगा? ये मुझे सर कौन सा मतलब x² का 4 बच जाएगा ना। तो वही तो मेरा कहना है, तो अननेसेसरी ये स्टेप लिख के क्या करेगा? ओके सर। ये स्टेप मैं क्यों लिखूं? इसका मतलब अगर मैं तुझसे कभी पूछता हूं लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 5x² + 6x + 3/2x² + 3, डायरेक्टली आंसर बोल पाएगा? मतलब x² से डिवाइड करोगे तो क्या किस में वेरिएबल हट जाएगा सर? 5 और 2 में। हाँ तो इसलिए आंसर क्या आएगा? 5/2। तो बस मेरा कहना डायरेक्टली क्यों ना करें। ओके सर उसमें डाउट नहीं है सर। जब एक्सपोनेंट्स में कुछ रख जाता है तब उसमें डिफिकल्टी हो जाता है, जैसे नहीं वो देखो, ये तो देखो तीन ही चीज में आएगा। 1 वाले में तुझे ये फॉर्मूला डालना होगा g(f(x)-1। ठीक है ओके सर। और 0 या ∞ होने से तुझे e⁻ b ln a वाला फॉर्मूला डालना होगा। बस ये दो चीजें। हाँ सर ठीक है सर। और डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट टीबीएस में क्वेश्चन नंबर 5 में सर जो मिनिमम का सम, सर उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वो मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गया कौन सा टीबी लास्ट क्लास का डिफरेंशिएबिलिटी जो दिया था। हाँ सर। सर आज का फर्स्ट डाउट जो क्लियर किया था। हाँ तो हाँ ये ग्राफ था y = x² का। हाँ सर। और ये ग्राफ था y = x का। हाँ अब बोल सर। उसमें तो 2 पॉइंट्स नॉन डिफरेंशिएबल होगा। हाँ हाँ वो पता चल गया। उसके बाद h'(x = 1 for all x greater than 1 सर वो भी करेक्ट होगा। ये पता चल गया क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो dy/dx का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे जब dy/dx करोगे ये x² है तो ये twice x होगा। ओके सर। और यहाँ पे dy/dx अगर करोगे तो ये फिर से 1 हो जाएगा नहीं क्या? हाँ तो इसलिए कभी अगर f'(1 - पूछ रहा है तो वो 2 होगा। ओके सर समझ में आया? सबको इंडिविजुअली ग्राफ कर लो। इससे ब्रांच हर एक ब्रांच को डिफरेंशिएट कर। ओके सर ठीक है।